कश्मीर में पत्थरबाज को जीप पर बांधने जैसे तरीकों का आर्मी चीफ बिपिन रावत ने समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जवानों का मनोबल बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। जब पत्थर और बम बरस रहे हों तो जवानों को मरने के लिए नहीं कह सकता। जनरल ने कश्मीर में पत्थरबाजों को आगाह कर दिया है। पैगाम साफ है, बुरहान और सबजार के बाद अगला नंबर उनका भी हो सकता है। सेना कश्मीर में गद्दारों को कुचलने के लिए किस कदर तैयार है और कैसे आतंकवाद की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी हो चुकी है, उसका अंदाजा सेना प्रमुख के इस बयान से लग जाएगा। काश ये लोग हम पर पत्थर फेंकने के बजाय हथियारों से हमला करते, तब मुझे ज्यादा खुशी होती। तब हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। हमारे को आतंकी के जो डिजाइन है उसको इसका ख्याल करना पड़ेगा कि अब वो अगली कार्रवाई किस प्रकार से करेगा। अगर हमें आतंक के खिलाफ सफल होना है तो हमें आतंकी से आगे सोच विचार करना होगा। एक तरफ कश्मीर में आतंकियों की मौत पर मातम मन रहा है और दूसरी ओर सेना ने साफ कर दिया है कि कश्मीर में आतंकियों और गद्दारों से निपटने के लिए पूरी छूट है। हमारे आर्मी चीफ ने बिल्कुल सही बोला और दुरुस्त बोला है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, और जो अभी पीछे मेजर गोगोई ने किया है उसको मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ का स्टेटमेंट बिल्कुल जायज है और बिल्कुल दुरुस्त है। मेजर गोगोई को सम्मानित करके भारतीय सेना ने अलगाववादियों को सख्त संदेश दिया था कि उसके ऑपरेशन के बीच जो आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की एक और चेतावनी सुनिए। कश्मीर में चल रहे घृणित युद्ध के खिलाफ सेना को कई बार अनोखे तरीके इस्तेमाल करने होंगे। लोग सेना के खिलाफ पत्थरबाजी करते हैं, पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने जवानों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अब सेना अलगाववादियों और आतंकियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देगी। आतंकियों की ह्यूमन शील्ड बनने वाले पत्थरबाज अब गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार नहीं। जब भी कोई एक्शन होता है वो सिविल पॉपुलेशन को, गांव वालों को धमकी दे के या जो भी है, फौज के बीच में, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में और जहां पे आतंकवादी है उनके बीच में लगा देते हैं। जब भी एक्शन लेना होता है उनके ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं। वही ह्यूमन शील्ड नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो बड़ी ह्यूमन शील्ड है बनस्पत जो मेजर गोगोई ने किया। मेजर गोगोई ने तो एक इनोवेटिव, एक नया तरीका निकाला है। सेना प्रमुख की चेतावनी कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद आई। वो कार्रवाई जिसके बाद कश्मीर का आजादी गैंग खून के आंसू बहा रहा है। जाहिर है सरकार ने सेना को अब कश्मीर से गद्दारों की फौज खत्म करने के लिए पूरी आजादी दे दी है। The army always had the ability, but they needed a leader who would tell the army go ahead. And the army demonstrated it with great courage and capacity. The surgical strikes that went on stunned our neighbor. कश्मीर नीति पर सरकार के हर फैसले को बीजेपी का साथ मिला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में जब तक पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाएं नहीं रुकती हैं, तब तक किसी से बातचीत नहीं हो सकती। जब हिंसा समाप्त हो जाएगी और बातचीत के लिए माहौल बनेगा तो हम सभी से बातचीत करेंगे। इस वक्त कश्मीर को लेकर सरकार और सेना बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। कोशिश अलगाववादियों को ही नहीं बल्कि उनकी सोच और समर्थन को खत्म करने की। वैसे सेना को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर में सेना में भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस परीक्षा में बड़ी तादाद में नौजवान शामिल हुए। भारी तादाद में नौजवान है, फिर भी सिर्फ कुछ एक लोग ही जो है इस मिलिटेंसी की तरफ आए हैं। तो मैं अपने आप में मैं समझता हूं कि ये एक हमारी एक बड़ी सफलता है कि इतना कुछ प्रोपेगेंडा होने के बावजूद बहुत ही कम संख्या में यूथ मिलिटेंसी की तरफ आकर्षित हुआ है। यूनिफॉर्म पहनकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कश्मीर में शांति बहाली के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें। इन तस्वीरों से जाहिर है कि कश्मीर के दिल में भारत है और जिनके दिल में भारत नहीं बसता उनके लिए जनरल बिपिन रावत की चेतावनी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।